एमपी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ सिंधिया को क्यों नहीं मिला टिकट? कमलनाथ सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने के सियासी मायने क्या हैं? इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कुल 13 नाम है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस लिस्ट में छिंदवाड़ा के प्रत्याशियों के नाम भी शामिल है। यानी साफ है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और चुनाव समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के साथ ही दोनों के सीएम उम्मीदवारी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल माना जा रहा था कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ लोकसभा के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तीसरी लिस्ट सामने आने से कमलनाथ के छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ के नाम का ऐलान होता तो ये साफ हो जाता कि वही मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके के भी लगभग सभी सीटें घोषित हो गई हैं। उनका भी नाम विधानसभा चुनाव लड़ने वालों में नहीं है। ऐसे में अब सारा दामोदर कांग्रेस की हार जीत पर होगा। अगर कांग्रेस जीतेगा तो उसके बाद हमेशा की तरह हाईकमान ही मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। सियासी जानकारों की माने तो कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत दोनों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला किया है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी का नाम होता तो फिर पार्टी की गुटबाजी खुलकर सतह पर आ सकती थी। अगर ऐसा होता तो उसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में चुकाना पड़ता। यानी साफ है कि चुनाव में जीतने पर कांग्रेस का सीएम प्रत्याशी कौन होगा, इसके लिए फिलहाल चुनाव नतीजे तक तो इंतजार ही करना होगा। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।